नमस्कार मित्रों, माय नेम इज सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाठेज ऊना। तो मित्रों, आज हम कक्षा 7 का तीसरा इकाई कुत्ते की वफादारी समझने जा रहे हैं, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। लल्लू भाई रबारी ने यहाँ पर एक कहानी के तौर पर हमें यह समझाया है कि एक कुत्ते को एक स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया गया है। मतलब कुत्ते की जो वफादारी इंसान के प्रति कैसी है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इंसान को भी इसमें ये कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी जल्दबाजी में हम कोई भी काम कर लेते हैं, बिना सोचे कुछ भी काम कर लेते हैं, बाद में हमें क्या करने की नौबत आती है, पछताने की नौबत आती है। तो लल्लू भाई रबारी ने यहाँ पर कुत्ते और बंजारे का उदाहरण देकर ये बात हमें समझाई गई है कि जल्दबाजी में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जो जानवर होते हैं, हमारे पालतू जानवर, वो अपने मालिक के प्रति कितने वफादार होते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। आज से जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने और ले जाने का काम करते थे। वो कौन करते थे? बंजारे। बंजारा नाम की एक जाति थी, वो करते थे। वो क्या करते थे? ऊँटों के ऊपर, बैलों के ऊपर, गधों के ऊपर अपना सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। मतलब कि वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे। वो अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाला आदि भरकर गांव तक ले आते थे। वो गांव से शहर ले जाते थे, वहाँ से वो माल बेचकर जो शहर से जो चीज़ गांव में ज़रूरत होती थी वो वहाँ पर गांव में ले जाते थे। लाखों का व्यापार था उसका, उसी समय उसका व्यापार लाखों का था। मतलब बहुत सारा व्यापार था उन लोगों का, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। इसमें एक आदमी था, वो लाखों का व्यापार करता था, एक गांव वाला, इसलिए उसका नाम लाखा पड़ गया। उसको लोग क्या कहते थे? लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, वो बड़ा वफादार था लाखा के प्रति। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। मतलब जब बंजारा सामान लेकर जाता होता है तो रात को वो पड़ाव डालकर थोड़ा आराम करते, क्योंकि ऊँट होते वो भी थक जाते तो उनको भी थोड़ा आराम की ज़रूरत थी। तो ऊँट, सामान और लाखा जहाँ पर रहते थे, वो कुत्ता था वो पूरे पड़ाव की रखवाली करता था। मतलब चौकीदारी करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देता था तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कुत्ते का काम क्या है? यही काम है। कुत्ते को पालते तो घर पर क्या करता है? हमारे घर की रखवाली करता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति या चोर या लुटेरा कोई आता था तो उसको भगा कर क्या करता था? कुत्ता उसको भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। लाखा था, वो अपने कुत्ते की अपने प्रति वफादारी देखकर एकदम ही खुश रहता कि नहीं, वो सेटिस्फेक्ट था अपने कुत्ते से कि नहीं, मेरा कुत्ता है वो बहुत ही बढ़िया है और मेरे पड़ाव की बराबर रखवाली करता है। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। मतलब मार खा गया मतलब कि उसको घाटा हुआ, व्यापार में उसको घाटा हुआ, नुकसान हुआ और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। मतलब उसके पास रुपये नहीं पड़े। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। राधनपुर नामक जो शहर है वहां पर वो पहुंचा। राधनपुर हमारे गुजरात में आए हैं, उत्तर गुजरात में। वहां पहुंचा और वहां पर एक सेठ था, उसके पास गया और अपनी सारी बात बताई। सेठ भी लाखा को अच्छी तरह से पहचानता था। लाखा ने बताया कि इस बार मुझे धंधे में इतना घाटा आया है तो मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दूंगा मगर उसके बदले में तुम्हें कुछ तुम गिरवी क्या रखोगे? सेठ ने भी बोला कि रुपये तो मैं दे दूंगा लेकिन तुम गिरवी क्या रखोगे? मतलब गिरवी मतलब मॉर्गेज। तो कुछ भी हम बैंक से हम लोन लेते हैं, आज देखो हमें बैंक में कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो अभी हमें बैंक उसकी गारंटी के ऊपर हमें क्या देती है? लोन देती है, मतलब पैसे देती है। वैसे ही सेठ ने भी लाखा से कहा कि तुम गिरवी क्या रखोगे, मतलब तुम गारंटी क्या रखोगे? अगर तुम नहीं आए तो वो चीज़ होती है, तुम पैसे मुझे अगर नहीं दोगे तो जो गिरवी में तुमने जो भी गारंटी में जो भी चीज़ रखी है उसको बेचकर मैं मेरे पैसे क्या कर सकूँ, वापस ले सकूँ। लाखा ने बोला, सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब लाखा ने कहा, सेठ जी मुझे व्यापार में घाटा है इसलिए मेरे पास फूटी कौड़ी मतलब एक भी रुपया लाखा के पास नहीं था। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मतलब लाखा ने व्यापार में घाटा खाया था, जो उसके पास बची कुची कुछ भी रुपये थे वो भी लाखा ने उसमें गंवा दिए थे। मेरी जबान पर विश्वास रखो, मुझे रुपये दे दीजिए। कि लाखा ने कहा कि मेरा मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरी जबान पर विश्वास रखो, मतलब मेरे ऊपर आप विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दो, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। मतलब कि मैं आपकी जो रकम मैं आपसे ले रहा हूँ वो सूद मतलब कि इंटरेस्ट के साथ आपको एक साल में लौटा दूंगा। लाखा ने यह शर्त किसके सामने रखी? सेठ के सामने ये शर्त रखी कि आप मेरा विश्वास करें, मैं आपसे जो भी रकम ले रहा हूँ
वो मैं एक साल में सूद समेत मतलब विद इंटरेस्ट के साथ मैं आपको वापस चुका दूंगा। सेठ बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे उसी से ही इस जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये जो कुत्ता है, क्योंकि लाखा के पास जो कुत्ता था वो बड़ा ही फेमस था और लोग भी जानते थे कि लाखा का कुत्ता है वो एकदम वफादार है, बहुत ही वफादार है। सेठ ने कहा कि तुम ये कुत्ता जमानत के तौर पर मतलब गारंटी के तौर पर मुझे दे दो, जब तुम सारे रुपये दे दोगे उस समय मैं इस कुत्ते को तुम्हें वापस कर दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, रुपये लेकर वह चला गया। लाखा को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो कुत्ते से बहुत प्यार करता था, कुत्ता भी उसको बहुत काम का था, क्योंकि जब वो पड़ाव डालते थे रात के समय तो वो क्या करता था, कुत्ता रखवाली करता था, चोर लुटेरों से अपने पड़ाव को अपने माल सामान को क्या करता था, बचाता था। कुत्ता था तो लाखा के माल सामान को बचाता था। लेकिन लाखा को दुख हुआ कुत्ता देने में, लेकिन लाखा की मजबूरी क्या थी, लाखा को पैसे चाहिए थे। बड़े दुख के साथ उसने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी छोड़ दिया और वो रुपये लेकर वहाँ से चल गया, आगे चला गया। वैसे कुछ दिन बीत गए, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई, कुछ दिन बीत गए और एक दिन सेठ के वहाँ चोरों ने चोरी की। कुत्ते ने चोर का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहीं से वो 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भोग भोग कर सेठ, कुछ दिन बाद सेठ के घर चोरी हुई तो क्या किया, कुत्ता था वो बड़ा ही चालाक था, हमने देखा कि वफादार भी था और चालाक भी था। जैसे कुत्ता लाखा का वफादार था उतना ही कुत्ता था वो सेठ का भी वफादार हो गया था। उसने चोरों का पीछा किया, चुपचाप चोरों का पीछा किया। चोर थे पहले के ज़माने में, चोर क्या चोरी करते थे, सारा माल सामान ले जाकर जंगल में एक गड्ढा बनाकर उसमें गाड़ देते थे, ताकि कुछ दिनों बाद जब पूरा वातावरण शांत हो जाए, कोई किसी को कुछ पता ना चले, फिर वो आकर वो माल सामान निकालते थे और आपस में बांट लेते थे। लेकिन कुत्ते ने क्या किया, वो जगह देख ली, लेकिन चोर तो वहाँ से क्या हो गए, माल डाट कर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना मतलब रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। चोरों ने वहाँ पर गड्ढे में माल गाड़ दिया और वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भोग भोग कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुत्ते ने भी सेठ को जगाया और भोंक भोंक कर बताया कि आपकी दुकान में चोरी हुई, चोर आपका सारा माल उठाकर ले गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, हक्का बक्का रह जाना मतलब सेठ एकदम घबरा गया, आश्चर्यचकित घबरा गया, डर गया कि अब क्या होगा, हाय रे मेरे घर पर चोरी होगी, अब मैं क्या करूँगा, क्या होगा मेरा। लेकिन कुत्ते ने तो देख लिया था कि चोरों ने माल सामान कहाँ गाड़ा है, इसलिए कुत्ते ने क्या किया, कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कुत्ता है वो सेठ की धोती पकड़कर सेठ को खींचने लगा, सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगा। अब सेठ को भी पता चल गया कि कुत्ते ने कुछ किया है, देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, कुत्ता है वो सेठ की धोती पकड़े हुए सेठ को ले जा रहा है। सेठ भी कुत्ते के पीछे चलने लगे, जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। जहाँ पर जो चोरों ने गड्ढा करके माल गाड़ा था वो जगह पर सेठ को ले आया और कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते कई बार मिट्टी खोदते हैं तो हमने भी देखा है, वैसे कुत्ता खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सारा सामान निकल आया, थोड़ा खोदा तो सेठ की दुकान में से जो भी चोरी हुआ था वो सारा सामान वहाँ से अकबंद मिल गया, मतलब कुछ भी उसमें कम नहीं हुआ था, जितना उन लोगों ने चुराया था उतना ही माल उसको वापस मिल गया था। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा, वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। सेठ तो एकदम खुश हो गया, खुश तो हो जाएंगे ना, क्योंकि चोरी का सारा माल मिल गया, वो भी बिना कुछ कम हुए, इसलिए सेठ एकदम खुश हो गया। उसने कुत्ते को प्रेम से थपथपाया, कुत्ते को शाबाशी दी, कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया। मतलब उसको वो उसमें मशगूल हो गया कि नहीं भाई क्या कुत्ता है, बस वो कुत्ते के बारे में सोचता रहा कि क्या कुत्ता है। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश होकर गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। सेठ सारा माल सामान लेकर घर आ गया। फिर सेठ ने खुशी होकर एक कागज लिया और कागज में एक चिट्ठी लिख डाली, जो घटना घटी थी सेठ के वहाँ पर वो उसने पूरी लिख डाली, और जो चिट्ठी है उसको कुत्ते के गले में जो पट्टा था उसके अंदर लटका दिया और कुत्ते को बोला कि तू भाई आज से तू आज़ाद है, तू अपने मालिक लाखा के पास चला जा। कुत्ता भी अपने मालिक के पास जाने की खुशी में वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया था, इधर लाखा भी सेठ के पैसों से व्यापार में खूब कमाने लगा, मुनाफा भी बहुत सारा हुआ। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था, वो भी सेठ को उसकी सेठ की रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से वो वापस आ रहा था। जिस रास्ते से कुत्ता लाखा को मिलने जा रहा था उसी रास्ते से लाखा
सेठ को उसकी रकम लौटाने के लिए वापस आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। लाखा ने दूर से अपने कुत्ते को अपनी आते हुए देखा और लाखा जैसे ही देखा, लाखा सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। तो कुत्ते ने लाखा ने जबान दे दी सेठ को कि मैं आपको आपकी रकम सूद समेत एक साल में लौटा दूंगा। जो सेठ के ऊपर ट्रस्ट किया था, जबान काट लेना मतलब कि लाखा की बात को उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब लाखा सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी बात को गलत कर दिया, उसने बेवफाई की है, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मतलब गद्दारी की है। मैं उसको सेठ के वहाँ छोड़ कर आया था और लगता है कुत्ता सेठ के वहाँ से भाग कर मेरे पास आ रहा है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा, उसने आव न दिखाना ताव। अब लाखा एकदम गुस्से में आ गया, आव न दिखाना ताव मतलब वो एकदम गुस्से में आया। बस कुत्ते जैसे ही कुत्ता उसके पास आया, लाखा के पास एक मोटी लाठी थी, लाखा ने उस लाठी से कुत्ते के सिर पर प्रहार कर दिया सीधा जोर से। एकदम गुस्से में उसके लाखा ने कुत्ते के सिर पर लाठी को मार दिया, कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही लाठी लगी, कुत्ता बेहोश होकर वहाँ पर गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले के में एक चिट्ठी बंधी हुई है। जैसे ही कुत्ता बेहोश हो गया तो गले में जो पट्टा था उसमें एक चिट्ठी बंधी हुई। लाखा ने वो देखा, उसने चिट्ठी को लिया, खोलकर पढ़ा तो सेठ ने लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए है, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। सेठ ने लिखा था, उसमें ये भी लिखा था कि तुम जो पैसे ले गए थे वो कुत्ते ने मुझे सूद समेत लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को आज़ाद कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिए, खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया। एक मेरे घर पर जो चोरी हुई थी वो सारा सामान कुत्ते ने सूझबूझ से मुझे दिला दिया है, इसलिए मैं सेठ ने लिखा कि मैं खुश होकर कुत्ते को छोड़ रहा हूँ। देखो लाखा प्रहार कर रहा है कुत्ते को, और देखो कुत्ते के गले में चिट्ठी बंधी हुई दिखाई दे रही, लेकिन उस समय लाखा ने वो चिट्ठी नहीं देखी थी। लाखा चकित हो गया, लाखा आश्चर्य में हो गया कि वो चिल्लाने लगा, वो थोड़ा घबरा गया, चिल्लाने लगा और अपने किए पर वो पछतावा करने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया। अब उसने जो किया था उसके ऊपर वो पछताने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। अब अपने आप को कोसने लगा, वो अपने आप को डांटने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते को शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लाठी के प्रहार के कारण कुत्ता बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद कुत्ता मर गया। अब वो कुत्ते का जो शव था मतलब डेड बॉडी थी, वो अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना मतलब बहुत जोरों से रोने लगा। लेकिन अब पछताए तो क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कोई बात नहीं थी क्योंकि कुत्ता ऑलरेडी मर चुका था। चिड़िया चुग गई खेत मतलब चिड़िया होती है, और अब आपने बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर दिया है, बाद में उसका जो रिजल्ट मिले वो हमें क्या करना है, भुगतना ही पड़ता है। वैसे लाखा ने जो बिना सोचे समझे कार्य किया था, उसने अगर चिट्ठी पढ़ ली होती तो आज वो उसका वफादार कुत्ता क्या होता, उसके पास जिंदा होता। लेकिन लाखा ने कोई समझदारी के बिना सोचे समझे कार्य किया, तो उसने अपने वफादार कुत्ते से हाथ धोना पड़ा और अपने आप को क्या करना पड़ा, दुखी। तो मित्रों, ये लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें जो कुछ भी कार्य करना है तो वो हमें एक नहीं दो बार सोच समझ कर करना है। अगर हम सोच समझ के बिना कार्य करेंगे तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या होता है वो हमें बाद में भुगतना पड़ता है। अगर अच्छा कार्य होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बुरा कार्य हम बिना सोचे समझे करने लगेंगे तो उसके रिजल्ट होते हैं वो फ्यूचर में भुगतने पड़ते हैं। चाहे वो रिजल्ट भी बुरे काम के रिजल्ट कैसे मिलेंगे, हमें बुरे रिजल्ट मिलेंगे, बाद में हमें पछताने की बारी आएगी। अभी आपका समय है पढ़ने का, अगर आप इस समय पढ़ने में अपना ध्यान नहीं लगाओगे तो बाद में आपको पछताने की बारी आएगी। आपका सहपाठी होगा, वो पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान देगा, सोच समझ कर वो पढ़ेगा तो आगे निकल कर डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी बड़ा आदमी बनेगा। उसको देखकर आपको भी पछताने की बारी आएगी कि उस समय जो मैंने समझदारी से काम लिया होता, समझदारी से पढ़ाई की होती तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तो विद्यार्थी मित्रों, मेरी आपसे ये विनती है कि ये लॉकडाउन के समय में या जो हम स्टडी कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से तो हमें ज़्यादा अपना ध्यान है वो पढ़ाई में रखना है। स्टे होम, सेफ होम।